मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जब से अपने वचन पत्र में ये घोषणा की है कि सत्ता में आने पर वो सरकारी भवनों और परिसर में आरएसएस शाखाओं की अनुमति नहीं देगी, तभी से सूबे का राजनीतिक पारा और चढ़ गया है। बीजेपी से लेकर हमलावर है वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घोषणा को कांग्रेस का अहंकार करार दिया है, जिस पर कांग्रेस की तरफ से सफाई आई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर ऐसा घमासान मचा है कि नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी नेताओं के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को अहंकारी बताते हुए कहा कि संघ के हर आयोजन में सभी को जाने की आगे भी छूट रहेगी। संघ को देशभक्तों का संगठन बताते हुए चौहान ने कहा कि सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि हर देशभक्त संघ की शाखा में जा सकता है। दरअसल कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में ऐलान किया था कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी सरकारी भवनों और परिसर में आरएसएस शाखाओं की अनुमति नहीं देगी और न ही सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस शाखाओं में भाग लेने की इजाजत दी जाएगी। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद से ही सूबे की सियासत में घमासान मचा है, जिसमें कूदते हुए अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने ही संघ की शाखा में जाने का प्रतिबंध हटाया था और आगे भी आरएसएस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। शिवराज के इस वार के बाद अब कांग्रेस ने इस पर सफाई दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने कहा कि वचन पत्र में पार्टी ने या उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की। कमलनाथ ने कहा कि पार्टी की ऐसी कोई मंशा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को हवा देकर जनता को भ्रमित करना चाहती है ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।